हाय फ्रेंड्स, मैं दर्शन सावंत और मैं प्रणीता सावंत आपका द सावंत किचन में स्वागत करते हैं। तो प्रणीता, आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे एक बैंगन की डिश। अरे पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है भरवा बैंगन। तो चलिए इसे बनाते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए 7 से 8 बैंगन कटे हुए, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, घाटी मसाला, भुने हुए प्याज और नारियल का पेस्ट, नमक और तेल। मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे ये तेल। तेल डालेगा तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और अब हम इसमें ये प्याज डाल के इसे गुलाबी होने तक पका लेंगे। प्याज हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच ये घाटी मसाला और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच ये प्याज और नारियल का पेस्ट और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक और इसे धीमी गैस पे पकने देंगे 2 मिनट तक। ये मसाला अब तैयार है। हम गैस बंद कर लेंगे और इस मसाले को हम बैंगन में स्टफ कर लेंगे। ये सारे बैंगन हमने इस तरह से भर लिए हैं। अब 10 से 15 मिनट तक इसी कढ़ाई में हम इसे ढक के पकाएंगे। दस से 15 मिनट हो चुके हैं। ये बैंगन अब पक चुके हैं और हमारी भरवा बैंगन तैयार है। अब गर्मा गर्म भरवा बैंगन खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए हमारे YouTube पेज पे। और सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे द सावंत किचन इमेज को क्लिक कीजिए। थैंक यू।